युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरे संसार को यह संदेश दिया, जिस व्यक्ति का उठना बैठना सोना जगना अर्थात जीवन के हर पल हर क्षण में होने वाले हर अभ्यास यदि एक निश्चित समय पर एक निश्चित विधि विधान के अनुसार नहीं हो तो उस व्यक्ति को रोगी होने से स्वयं परमात्मा भी नहीं बचा सकता है, समझ गए। यानी जो कुछ भी हम काम करें तो उसमें चार सिस्टम्स को जोड़ते हैं, चार फॉर्मूले को। चाहे आप कोई भी काम करें जीवन में, नौकरी करें, पैसा करें, भोजन करें, खेती करें, पढ़े सोए, पहला उसका विधि, पहला क्या होना चाहिए उसका सिस्टम क्या है, उसका विधि को सिस्टम को सीखते हैं, मेथड को। और दूसरा होता है उसका टाइमिंग, समय क्या होना चाहिए उसका। तीसरा एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यानी जो काम करें तो पूरा ध्यान उस पर टिका होना चाहिए। चौथा है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, यानी रोज अभ्यास उस तरह का हो। तो पहला विधि हो गया, समय हो गया, एकाग्रता और निरंतरता, ये चार सिस्टम के साथ जब आप जीवन के कोई क्रियाकलाप करेंगे तो आप कभी फेल नहीं करिएगा और आप हमेशा सुखद और शांति का अनुभव करते हुए जीवन को आप जिएंगे। तो आइए हम सभी वज्रासन में बैठ गए। कौन सा आसन में बैठ गए? भोजन करने के बाद वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम कर सकते हैं, समझ गए। अब ये 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। दिन भर जब पूरा थक जाते हैं काम करके और घर पे आकर के वज्रासन में बैठ जाएं तो पूरा थकान मिट जाता है और ये पिंडली दब जाता है, ये जो बीच में है ना मांस, ये पिंडली दबने से पेट उदर संबंधी रोग दूर होने लगते हैं, शौच बढ़िया होने लगता है। और अब इसी आसन में बैठ करके आपको मैं मंडूक आसन का अभ्यास करवाऊंगा, जो मुख्य रूप से शुगर के लिए, मधुमेह के लिए, गैस कब्ज के लिए या जिनका पेट पर चर्बी चढ़ा है उनके लिए मुख्य लाभ। और गौण लाभ में सैकड़ों लाभ उसमें जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको मुख्य लाभ के साथ इसका अभ्यास करवाऊंगा। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, अब अंगूठे को अंदर ले गए, चारों अंगुली को ऊपर से रख लिया। अब ये जो अंगूठा का इलाका है इधर वाला, नाभि के बीच में रखते हैं, इसे नाभि के ऊपर रख लिया। अब ये दोनों आपका ग्रिप जो है ना अंगुली का, ये सट जाता है। अब सांस को भरेंगे जोर से और झटके से बाहर फेंक दिया। अब थोड़ा सा इसको ऐसे खींच करके और धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे, दोनों कंधा घुटना पे सड़ जाएगा। तो आइए अभ्यास करते हैं और आप घुमा लेंगे।